बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की जो न्यूज़ है उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारत का जो अगला कप्तान है वो कौन होगा। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप से पहले ही T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। भारत का अगला कप्तान कौन होगा, विराट कोहली ने बता दिया। T20 में बतौर कप्तान आखिरी मैच खेलने वाले विराट कोहली ने भारत के अगले कप्तान का बता दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप में गुज़श्ता रोज़ न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर एक यूनिट से बाहर कर दिया था और आज भारत सुपर 12 मरले में अपना आखिरी मैच नबीबिया के ख़िलाफ़ खेल रहा है, जो भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए बतौर कप्तान आखिरी मैच भी है। टॉस जीतने के बाद जब विराट कोहली से इनकी कप्तानी से मुतल्लक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की कप्तानी करना मेरे लिए एजाज़ की बात थी और मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ये मौका दिया गया, जिससे मैंने भरपूर इंसाफ करने की कोशिश की। तहम अब ये जिम्मेदारी किसी और को देने का वक्त आ गया है। विराट कोहली ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं मुख्तसर फॉर्मेट में अपनी टीम की कारकर्दगी पर फख्र है। अब वक्त आ गया कि नए आने वाले इस टीम को लेकर आगे बढ़ें, और वैसे भी रोहित शर्मा यहाँ मौजूद हैं जो तमाम चीज़ों को देख रहा है। वाजह रहे विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के आगाज़ से कबल ही मुख्तसर फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था।